भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह संगठन मंत्री भवानी सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को गोरखपुर क्षेत्र समिति की बैठक सिविल लाइन स्थित एक क्लब में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की देखरेख में प्रस्तुत बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास करने वाला है। बजट की खासियत को जनता तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों का आह्वान किया कि कोरोना को लेकर समस्या अब लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए क्षेत्र, जिला और मंडल की टीम को सक्रिय होकर संगठन की गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक पंचायत चुनाव को लेकर 4 चरणों में अभियान चलेगा तथा प्रथम चरण में जिला पंचायत के वार्डों की बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनानी है और दूसरे चरण में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत स्तर की बैठक होगी तथा तीसरे चरण में गाँव में चौपाल लगाई जाएगी और अंतिम चरण में सरकार की उपलब्धियां बताने कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे तथा उन्होंने बताया कि 19 मार्च को प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल का 4 साल पूरा होगा, जिससे 19 से 25 फरवरी तक सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए सरकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री तथा गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, समीर सिंह, कामेश्वर सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन, विश्वजीतांशु सिंह आसु, महामंत्री सुनील गुप्ता, मंत्री जनार्दन तिवारी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे नवीन, क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री सत्येंद्र मिश्रा, सह मंत्री पंकज जायसवाल, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन संत राज यादव, महानगर उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष तथा गोरक्षनाथ की धरती पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रदेश सह महामंत्री संगठन आदरणीय भवानी सिंह जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब हम सब लोग सामूहिक मंत्र मात्रा के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सह महामंत्री संगठन आदरणीय भवानी सिंह जी का प्रभारी आदरणीय अनूप गुप्ता जी का स्वागत। अब मैं मंचासीन अतिथि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्र समिति प्रदेश के सह महामंत्री संगठन सम्मानी भवानी सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री और इस क्षेत्र के प्रभारी सम्मानी अनूप गुप्ता जी, सभी जनपदों के सम्मानीय प्रभारीगण, जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी जनपदों के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज की ये महत्वपूर्ण बैठक, रूटीन बैठक जो प्रदेश ने अपेक्षा की है कि हर महीने एक क्षेत्र की कार्य समिति की पूरी बैठक और बीच में क्षेत्र के अध्यक्ष और महामंत्री, यानी जो दो बैठकें अपेक्षा की गई है, क्षेत्र की, जिले की दो बैठक, मंडलों की दो बैठक और सेक्टरों की दो बैठक, बूथ की एक बैठक, उसी के क्रम में ये महत्वपूर्ण बैठक है। गोरखपुर क्षेत्र को चलाने वाली पूरी टीम ये बैठी है। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं अपने प्रदेश के सह महामंत्री संगठन सम्मानी भवानी सिंह जी का और क्षेत्र के प्रभारी सम्मानी अनूप गुप्ता जी का भगवान गोरखनाथ जी की पावन तपोभूमि पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की
कि ये बैठक कामकाजी बैठक है। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन सम्मानी सुनील बंसल जी का हम सबको मार्गदर्शन इसमें मिलना है। प्रातः उनकी जो पश्चिम बंगाल से जो प्लेन आनी थी वो स्थगित हो गई, फिर भी अभी वो इस पूरी बैठक में सम्मानी भवानी सिंह जी का योग्य मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। अभी वो पश्चिम बंगाल से थोड़ी देर में हम लोगों को वर्चुअल माध्यम से भी वो जुड़ेंगे और कार्यक्रमों के बारे में भी आप सब से सीधा संवाद भी करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं यहाँ प्रचारक का जीवन जो होता है, प्रचारक के नाते यहाँ रणबत जी भी हैं, कई ऐसे भी लोग, सम्मानी भवानी सिंह जी हमारे मंच पर विराजमान हैं। मैं आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में जहाँ एक प्रचारक के नाते जो अपना जीवन समाज और देश के लिए देते हैं, लेकिन सम्मानी भवानी सिंह जी ऐसे प्रचारक हैं जो प्रचारक जीवन में निकलने के 22 वर्ष बाद हो गए, परिवार में बहुत सारे सुख और दुख की घड़ी आई, लेकिन 22 वर्षों से घर नहीं जाना हुआ, ये पूरा समाज उनका परिवार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता